आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ताजनगरी में लगातार चल रही खुदाई के कार्य के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला आवास विकास के सेक्टर 7 में देखने को मिला, जहां मेन रोड पर गड्ढा होने के चलते आए दिन लोग चोटिल होते रहते हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। शहर में चल रही सीवर व पाइपलाइन की खुदाई लोगों के लिए जी का जंजाल बनती हुई नजर आ रही है। खुदाई के बाद संबंधित विभाग के अधिकारी सड़क को खोदकर उसकी मरम्मत करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आए दिन लोग चोटिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला सेक्टर 7 आवास विकास में देखने को मिला, जहां मेन रोड पर खुदा हुआ गड्ढा किसी बड़े हादसे को दावत देता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते लोग आए दिन चोटिल हो जाते हैं। क्षेत्रीय निवासियों का कहना है कि खुदाई करने के बाद अधिकारी उसको बंद करना भूल गए हैं, जिसके चलते आसपास के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महीनों हो गए भाई साहब इसको, और धूल का पूरा साम्राज्य हो रहा है, गड्ढे में रोज गिरते हैं लोग, उठाने पड़ते हैं, और बुरी स्थिति है लोग यहाँ इस गड्ढे से, और इधर भी सीवर खोदी है इन्होंने पूरा, मतलब धूल के मारे खाने तक में धूल जा रही है, लोगों को बैठ नहीं पाते हैं यहाँ। अरे काफ़ी लोगों से कह दी, कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है, और फिर वो खुद देख करके जाते हैं यहाँ से, खुद देख गए हैं। ये मेन रोड है, मेन रोड पर यहाँ पर काफ़ी सारी वाहन निकलते हैं, गिरते हैं इसमें लोग, इसमें लोग गिरते हैं। अब कल की बात है, बेचारे एक महिला और वो जा रहे थे स्कूटर बैठ के, वो गिर गए इसमें, उठाने पड़े, चोट वोट लग गई उनके, कोई नई बात थोड़ी है। और धूल देखो, आप खुद देख लो कितनी उड़ रही है धूल यहाँ पे, धूल खा रहे पूरे दिन, बैठना मुश्किल हो रहा है, सांस लेने में परेशानी होने लगी, लोग बीमार पड़ गए हैं। और सड़क पर खुदे गड्ढों में मिट्टी पूरी तरह से नहीं डाली, जिसके चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी संबंधित अधिकारियों की नींद खुलने का नाम नहीं ले रही है। सी न्यूज़ के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।